हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल अनअकैडमी स्टूडियो एंड ग्रेव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। जो सीपीओ के आए हुए पेपर हैं उसको मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ। ये इस चैनल पर पढ़ाने के लिए टीम है, सर हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, उमाकांत शर्मा सर, विक्रमजीत सर रीजनिंग आपको पढ़ाते हैं, मैं पवन राव आप लोगों को मैथ्स पढ़ाता हूँ, और शंभू सर आप लोगों को पढ़ाते हैं जीएस और जीएस जीए और जीएस की स्ट्रेटजी के बारे में, जीके और जीएस की स्ट्रेटजी के बारे में। तो ये हमारी टीम है जो एनग्रेव पर पढ़ाती है। एसएससी सीपीओ 2018 का जो पार्ट 14 मार्च को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, दो शिफ्ट में पेपर होते हैं सीपीओ के, और अभी जैसा आप लोगों को पता है कि सीपीओ के ही पेपर आने वाले हैं, तो मुझे लगा कि मैं पहले इनको सोल्व कर देता हूँ तो हो सकता है आपको थोड़ी सी हेल्प मिले। पार्ट सेकंड मार्च की क्लास में आप लोगों को सोल्व करवाने वाला हूँ। और जैसा आपको पता है कि इस चैनल पर पढ़ाने से पहले हम लोग हमेशा बताते हैं मेरे बारे में, प्लस अनअकैडमी प्लस के बारे में मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। ये है मेरे बारे में, आप लोग पढ़ लेना, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लगाता हूँ, आप लोग खुद देख लेना। 7 मिलियन मिनट्स अभी तक मुझे अनअकैडमी प्लस पर देखा जा चुका है। मैं इस चैनल पर सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि शाम को 6 to 6:30 डेली पढ़ाता हूँ, तो आप लोग डेली इस चैनल पर आ सकते हैं। अभी मैं सीपीओ के पेपर सोल्व करवा रहा हूँ और फिर मैं इस पर आप लोगों को कोई नया चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करूँगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोग देखोगे तो एक फीडबैक फॉर्म आप लोगों को मिलेगा, वो फीडबैक फॉर्म आप लोग ज़रूर भरना। ये जो फीडबैक फॉर्म है ये नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, और फीडबैक फॉर्म जो है उसको आप लोग ज़रूर भरना, क्योंकि जो चीज़ें आप लोग पढ़ना चाहते हो उसी से हमें पता लगेगा कि आप लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं, ये चीज़ उसी से आप लोगों को पता लगेगी। तो फीडबैक फॉर्म होगा जो आप लोगों को ज़रूर भरना है, इस टाइप से आप लोगों को मिलेगा, ताकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये चीज़ें लिखी हैं कि क्या पढ़ना चाह रहा है, क्या पढ़ना चाह रहे हो, तो उसी के अनुसार हम लोग पढ़ाते रहते हैं। ये जो एक टेलीग्राम का चैनल है इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, एसएससी एनग्रेव जो चैनल है इसको ज्वाइन क्यों कर लें, क्योंकि इस पर जो भी आप लोग, जो भी मटेरियल मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ वो कंप्लीट नोट्स इस पर आप लोगों को मिल जाते हैं, तो इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। कभी कभार मैं च्युइंगम खाता रहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गले में अगर लगातार बोलते रहने पर वो गला थोड़ा गीला रहे, उसके लिए च्युइंगम चबाते रहते हम लोग। अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। उसको इंस्टॉल क्यों कर लीजिए, क्योंकि मैंने तो खुद ने तो बहुत सारा मटेरियल, इस पर दो टाइप की चीज़ें होती हैं, इस पर दो टाइप के कोर्सेज चलते हैं, पेड भी हैं और फ्री भी हैं। फ्री और पेड में डिफरेंस ये होता है, पेड जो होता है वो लाइव होता है, और फ्री जो होता है वो पहले से रिकॉर्डेड होता है। और आजकल तो एक महीने में 10 घंटे 10 आवर्स मैंने इस चैनल पर आपको पढ़ाना, फ्री भी पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो आप लोग इसको डाउनलोड करो, ताकि 10 घंटे अगर मंथ में बहुत सारी चीज़ें मैं उसमें सिखा देता हूँ 10 घंटे में। और पेड जो कोर्स है अगर वो लेना चाहते हो, क्योंकि उसका डेली 1.5 घंटे क्लास होती है अप टू मेंस लेवल होती है, तो उसका फीस कम कैसे होगी वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। और चूज योर गोल, कीजिए एसएससी एग्जाम। अगर प्लस पर आते हैं आप लोग अनअकैडमी प्लस पर, तो ये सारे के सारे बेनिफिट हैं जो आप लोग पढ़ सकते हो। मैं तो इस पर पढ़ाता ही हूँ, बाकी मैथ्स रीजनिंग जीके इंग्लिश सभी के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज बहुत सारी फैकल्टी और भी पढ़ाती हैं इस पर, तो आप लोग किसी से भी पढ़ सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक बार फीस दे दी तो एक से ही, दूसरे से भी आप लोग पढ़ लो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 से ही पढ़ना, सभी से भी मत पढ़ना, खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इतना टाइम थोड़ा ना रहता है। ये मेरे बैच के बारे में है जो मैं कंप्लीट आप लोगों को बैच पढ़ा रहा हूँ, उसके बारे में ये है जो बैच मेरा चल रहा है 6 to 7:30 1.5 घंटे डेली मैं इसकी क्लास लेता हूँ। जिस भी बैच के लिए आप लोग इनरोल करोगे उसमें सभी जितने भी कहाँ कब कौन सी क्लास होगी वो पूरा का पूरा शेड्यूल आप लोगों को मिल जाएगा। कितने भी बैचेज के लिए आप लोग इनरोल कर सकते हो। टेस्ट पेपर अगर आप लोग देते हो तो कौन से में कहाँ पर कितनी आप लोगों की रैंक आई है, कितने क्वेश्चन गलत कितने सही, वो सारा का सारा आप लोग अपने टेस्ट का एनालिसिस भी कर सकते हैं। जैसे अपनी क्लास होती है उसी टाइप से बोर्ड होगा, वैसे आप लोगों को पढ़ाया जाता है, यहाँ पर हमारा वीडियो चलता रहता है,
नीचे आपके कमेंट लग चलते रहते हैं। ये डेमो के लिए एक स्क्रीन बनाई गई है, ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, पवन लाइव। अगर कोई मुझसे आपका भाई बहन दोस्त जो भी पढ़ना चाहे, मान लो पढ़ना ही अगर चाहता है अनअकैडमी पर, तो ये नाम याद रखना पवन लाइव। रेफरल कोड में लिखना है, यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा रेफरल कोड, उसमें टाइप करना है। तो पहले फीस दिखाएगा 6000, जैसे रेफरल कोड अप्लाइड होगा अपने आप 5400 हो जाएगा। और ये जो चार्ज है, ये 6000 जो चार्ज है, 6000 रुपये जो मैंने बताया, ये ओनली मैथ्स का नहीं है, ये वन ईयर का टोटल चार्ज है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जेके, इंग्लिश सारी की सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हो। ये टोटल चार्ज है, ओनली मैथ्स का नहीं है, ध्यान रखना। और एसएससी के लिए कम से कम एक साल तो आपको चाहिए, वैसे वन मंथ प्लान तो सारे हैं, लेकिन ये कॉस्टली भी होते हैं। और एक महीने में तो एसएससी की क्या तैयारी होगी, दो साल वाला भी नहीं करना आपको। ये टू ईयर्स वाला उन लोगों के लिए होता है जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है, और दो साल तक धीरे 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 अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो। जैसे अप्लाई होगा ये कोड, आपकी फ़ीस अपने आप कम हो जाएगी। और जो टू ईयर्स के लिए लेना चाहे 9600 रुपये है। पवन लाइव जैसे ही लिखोगे और अप्लाई पर क्लिक करोगे तो 8640, 10% अपने आप कम हो जाएगा टू ईयर्स का, जिसमें सारा सब कुछ पढ़ भी सकते हो, टेस्ट भी दे सकते हो। अनअकैडमी प्लस पर आने से पहले उसके रिव्यू आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि रिव्यू आपको मिल जाएंगे कि हम लोग कैसा पढ़ाते हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। द गिवन बार चार्ट शो द सेल्स ऑफ बुक्स इन थाउजेंड्स इन फोर मेट्रो ब्रांचेज ऑफ कंपनी ऑफ टू ईयर्स 14 टू टू ईयर्स 2015। दिया गया ग्राफ वर्स 2014 2K14 और 2K15 या 2014 और 15 के लिए किसी कंपनी की शाखाओं में पुस्तकों की हजार में बिक्री दर्शाता है। आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं डीआई के, वो अलग अलग आते हैं। एक नंबर आ गया, सेम क्वेश्चन 10वां आ गया, सेम क्वेश्चन 20वां आ गया, सेम उसी टाइप का उस पर बेस्ड क्वेश्चन 41वां आ गया। सीपीओ की बात कर रहा हूँ, उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान रखना। आप लोग जब भी सोल्व करो इसको, एक जगह जब सोल्व करो तो एक जगह वो पेज खाली छोड़ लेना अपना कि डीआई यहाँ पर सोल्व की है, नहीं तो हर बार बहुत सारी चीज़ें सोल्व करनी पड़ेंगी। ये एक चीज़ आप लोग अप्लाई कर सकते हो ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। 2014 से 15 तक जो बुक्स की बिक्री हुई वो थाउजेंड में दर्शा रहा है। इन द गिवन बाई बार चार्ट विच ब्रांच हैज़ द हाइएस्ट इंक्रीज इन सेल इन परसेंट 2015 एज कम्पेयर टू 2014। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पढ़ लिया करो। दिए गए बार ग्राफ में 2014 की तुलना में 15 में कौन सी शाखा में बिक्री अधिकतम वृद्धि हुई, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो वृद्धि दो ही शाखाओं में हुई है, एक तो इसमें हुई है ये 14, ये 15, और एक इसमें हुई है। तो यहाँ पर कितना बढ़ा, 35/60 गुना 100। पूरा सोल्व मत करना इसको, बैठ कर कहीं पूरा सोल्व करने लग जाओ, गुना 100 तो इसमें भी आएगा और गुना 100 तो आगे वाले में भी आएगा। 35/65 गुना 100 दोनों में आएगा, आगे वाले में तो क्योंकि डिक्रीज हुआ है, आगे वाले में तो इन दोनों में तो 40 से घटकर कितना हुआ 30, और इसमें भी अपने पास घटकर कितना हो गया 100 से घटकर 80। तो अपने पास यहाँ से जब ऊपर 35 और 35 है तो नीचे वाली संख्या जो बड़ी होती है, ये गलती से मुंबई दो जगह आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ कोई और शहर होगा, क्वेश्चन में आप लोग देख लेना। हो सकता है यहाँ पर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और एक शहर यहाँ पर और हो, वो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। दिल्ली हो सकता है, इसको दिल्ली मान लो क्योंकि दो जगह मुंबई आ गया है। तो यहाँ पर मुझे बताइए 100 तो क्योंकि दोनों जगह ही है, कंपेयर करना है नहीं आपको, इसको कंपेयर करना है। 30 बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। 35/60 और 35/65, तो जब भी आप लोगों को पता है कि जो नीचे संख्या छोटी होगी वो संख्या हमेशा ऊपर, तो दोनों सेम ही, ये भी कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। या तो नीचे संख्या बड़ी हो छोटी होगी, वही नंबर बड़ा होता है। तो अपना आंसर आ गया फर्स्ट मुंबई, यही अपना आंसर है, डी ऑप्शन, वो दिल्ली है। देखो ऑप्शन में क्योंकि दिल्ली आया हुआ है तो वो दिल्ली है, चौथे को आप लोग चेंज कर लेना। या आप लोग 35 से 35, 100 से 100 तो हट ही गया, और इन दोनों को कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर और ये इधर, तो ये इधर आएगा 65 और इधर आएगा 60, तो दोनों में बड़ा कौन है 65, तो ये इधर वाला बड़ा होगा। और मैक्सिमम ही हम लोगों से पूछा, तो पूरा 100 से गुना करके इसको सोल्व करने मत बैठ जाना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों को लग जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर
फ्रॉम ए पॉइंट, एक ही पॉइंट से उन्होंने चलना शुरू किया. देयर स्टेप मेजर 72 सेंटीमीटर एंड 84 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. वॉट इज द मिनिमम डिस्टेंस दे शुड वॉक सो दैट ईच टेक्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स. ए और बी बिंदु से एक साथ चलना शुरू करते हैं. उनके कदमों की माप 72 और 84 है. न्यूनतम कितनी दूरी चलें ताकि प्रत्येक के कदमों की संख्या एक समान हो. ये आपको पता है कि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा. ऊपर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो फैक्ट एलसीएम लेना पड़े तो इसको 8×9 लिख सकते हैं, मतलब 2 की पावर 3. इसको ऐसे लिख लिया करो एलसीएम वैसे लेने के बजाय. और ये आप लोग 84 को क्या लिख सकते हो, 84 को आप लोग लिख सकते हो 3×4 = 12×7 = 84. 3×2 = 7 = 12×7 = 84. तो इसमें से मैक्सिमम लेते हैं 2 की पावर 3, 8 मैक्सिमम, ये तो हट गया. 3 की पावर 2 मैक्सिमम, ये भी हट गया, 9 और 7. 9×8 = 72 × 7 तो ये आ जाएगा 504 सेंटीमीटर. लेकिन ऑप्शन सारे मीटर में हैं तो 504 को डिवाइड किससे करोगे, 100 से डिवाइड करोगे मीटर में बदलने के लिए, तो 5.04 मीटर. ये अपना आंसर आ जाएगा. हाँ ना, बोलो समझ पाए हो क्या? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग इनको नहीं कर पाओ, और इतना टाइम तो आपको लगाना ही पड़ेगा. एक साइकिल विक्रेता ने 16 प्रति साइकिल के साथ 12 साइकिलें खरीदी. इतने लाभ पर खरीदी तो 12×6 कितना हुआ, 72, 7, 12 और 7 19, कैरी 1, 12×5 = 60 और 1 = 61. इतने रुपए का तो लाभ हुआ और 129 रुपये के हिसाब से 3, इतनी कैलकुलेशन तो देखो करनी ही पड़ेंगी. 3, मुझे ये बताओ 387 आ जाएगा, 9×3 = 27, 6 और 2 = 8. तो ये माइनस करोगे तो 5, यहाँ माइनस करोगे 0 और यहाँ माइनस करोगे 58. ये टोटल लाभ, ये माइनस क्यों किया, क्योंकि ये लॉस हो रहा है, नुकसान पर 3 साइकिलें बेचता. आप क्वेश्चन पढ़ भी सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले भी. सेल्स 12 बाइसिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 560 पर बाइसिकल एंड सेल्स 3 बाइसिकल्स एट द लॉस ऑफ 129 पर बाइसिकल. इफ द टोटल प्रॉफिट परसेंट ऑफ बाइसिकल इज सोल्ड 15%, ये 15% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 585005. 15% की वैल्यू है तो सबसे पहले आप लोग 100% की वैल्यू निकालिए. तो 15 से काट दो इसको, 15×3 = 45, 15×8 = 120, 10 बचे और 15×7 = 135. ये जो आ जाएगा, ये कितनी साइकिल का आएगा, 12 पहले 3 बाद में 15, लेकिन इसने एक साइकिल का क्रय मूल्य पूछा है प्रति साइकिल. द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल इज, एक का पूछा है तो डिवाइड किससे करोगे, 15 से डिवाइड करोगे, 15×30 8 बचेगा, 15×3 = 75, 12 बचेगा, 15×8 = 120, 15×5 = 75, 15×3 = 45 होता है, 500 आ जाएगा 2580. ये अपना आंसर. उम्मीद है आप लोग कैलकुलेशन तो कर पाओगे, और कैलकुलेशन कर पाओगे तो क्वेश्चन भी हमारे लिए आसान होगा. देखो ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट का आसानी क्वेश्चन है. इसका मतलब ये एक क्वेश्चन ये आया है, फिर जस्ट अगला ही क्वेश्चन इस पर बेस्ड नहीं आया, फिर आगे थोड़ी देर बाद फिर आ गया, थोड़ी देर बाद फिर आ गया, इस टाइप से क्वेश्चंस आए हैं. तो चलो मैं आपको पढ़ाता हूँ. इन द गिवन पाई चार्ट व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर बिटवीन हॉकी एंड जिम्नास्टिक. हॉकी और जिम्नास्टिक करोड़ों में दिया हुआ, वो ठीक है. हॉकी सेकेंड नंबर है 72, जिम्नास्टिक ढूंढो 5 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, जिम्नास्टिक 10, 2 से कटेगा 36 और 5. अब बताओ इससे आसान क्वेश्चन आपके सामने क्या आएगा. बिल्कुल आसान, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ऐसे सोल्व कर लोगे. यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1944 है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताइए. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या 6 × साइड स्क्वायर होता है क्या. और ऐसे क्वेश्चंस भी अगर जल्दी नहीं कर पाओगे तो फिर तो एसएससी या सीपीओ भी क्या कर सकता है. इसमें तो आपको 50 के 50 क्वेश्चंस करने चाहिए सीपीओ में, तो क्योंकि ताकि मेरिट में आपको दिल्ली पुलिस मिले, मेरिट में ज़्यादा फायदा हो. तो 6 × साइड स्क्वायर बराबर 1944 है, तो साइड स्क्वायर जो यहाँ से आ जाएगा 6 का भाग दोगे
तो 6 का भाग 3 बार, 6 का भाग 2 बार 24, तो साइड जो आ जाएगी अपने पास वो आ जाएगी 18। अगर साइड पूछता तो रूट ले लो, आंसर आ जाएगा, लेकिन पूछा क्या है, देन वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम इज, तो वॉल्यूम के लिए साइड का क्यूब होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो 18 का क्यूब करोगे, अब 18 का क्यूब याद होगा तो ज़्यादा फायदा है, नहीं याद होगा तो फिर तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ये अपना आंसर आ गया, ये 17 का क्यूब होता है 49, 13 होता है वो, 17 का क्यूब 49, 13 होता है, 58, 32 ये क्यूब आपको याद होने चाहिए। ये 12 का क्यूब है, ये कोई क्यूब है नहीं, ये कोई क्यूब नहीं है, 12 का है ना, 13 का है ना, 14 का है। ये 14 का क्यूब होता है 27, 44, 12 का 27, 28 वो भी 27, 44 होता है, और 12 का 17, 28 होता है। अगला क्वेश्चन जस्ट इसके बाद ही आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाए थे, आइए मैं समझाता हूँ। द गिवन पाई चार्ट डिपिसेट्स द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द क्रोर्स टुवार्ड्स ईच स्पोर्ट्स। दिए गए पाई चार्ट में प्रत्येक खेल में प्रत्येक वे दर्शाता है अपने पास, ठीक है। इन द गिवन पाई चार्ट व्हाट विल बी द टोटल सेंटर एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग फुटबॉल, फुटबॉल के लिए टोटल, पहले ये देखो ये टोटल हैं कितने, ना तो ये डिग्री में है ना अपने पास ये परसेंटेज में है, तो पहले ये देखिए टोटल हैं कितने, 128 और 72 क्या 200 हो गया क्या, और इनको ऐड करोगे आप लोग सभी को तो 6, 7 और 10, और इनको ऐड करोगे तो 5 और 10, 100 हो गया ये टोटल, और 200 तो टोटल 300 है, और डिग्री में पूछा है, किसका पूछा है, फुटबॉल का पूछा है, तो फुटबॉल है कितने नंबर, 4 नंबर, 1, 2, 3 और 4, तो 51 तो कितने में से है, 300 में से, 51 कितने में से, 300 में से, और डिग्री में बदलना है तो गुना करो 360 से। अगर इसी चीज़ को परसेंटेज में बदलना होता तो गुना किससे करते हैं हम लोग, 100 से, तो 0 से तो 0 कट ही गया, 3 से कट जाएगा ये, या 3 से इसको काट दो 12 बार, और 3 से ये कट जाएगा 10 बार, 12 का 51 से गुना करोगे तो 12 और 60 और 1 61 बटे 10, तो 61.2 जहाँ पर है डिग्री में, ये हमारा आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान रखना परसेंटेज में पूछता तो 100 से गुना, 51 है 300 में से, डिग्री में पूछा इसलिए 360 से गुना, और काफ़ी सारे स्टूडेंट का ऐसा क्वेश्चन जब नहीं किया होता तो वो इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं सोल्व कर पाते हैं। पढ़ो क्वेश्चन, PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्किल विद सेंटर O फ्रॉम ए पॉइंट P आउटसाइड द सर्किल, A एंड B आर द पॉइंट्स ऑन द सर्किल, इफ APB इक्वल्स टू 70 देन OAB इज इक्वल टू, केंद्र O पर एक वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से खींची गई दो स्पर्शरेखाएं P और PB हैं, A और B वृत्त के बिंदु हैं। यदि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आजकल मैं आप लोगों को पता होगा ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस दो 2017-18 में आए हुए हैं, वो सारे के सारे मैं सोल्व भी करवा रहा हूं, तो उसमें भी ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस करवा देता हूं। O इसका सेंटर है, यहां पर हमें कहा है APB इक्वल्स टू 70 है, और ये भी हमें पता है कि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। मुझे ये बताइए आप लोग सारे लोग मिलकर, क्या टेंजेंट ऑलवेज इक्वल होते हैं क्या, सर्किल के बाहर से डालेगी टेंजेंट्स दोनों हमेशा बराबर होती हैं, तो ये 70 है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 70 माइनस करोगे तो 110 बचेगा, और ये दो साइड बराबर तो सामने के एंगल भी बराबर, तो 55 और 55। हमें ये पता है 90 डिग्री होता है, तो ये 55 डिग्री अगर है तो क्या इधर वाला एंगल ये 35 डिग्री बचेगा क्या, ये अपना आंसर है, ए ऑप्शन आ जाएगा 35 डिग्री। आसान क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, इस टाइप से हम लोग सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आपको एक बात पता है क्या, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, ये अगर ए है तो ये ए बाई टू होगी, या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन अगर 4 है तो फिर ये 8 होगी, ये इससे डबल होती है या ये इससे आधी होती है। इसी पर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है जो हम लोग अभी देख रहे हैं,
in a triangle given below, D and E are the midpoint of A, F and AG respectively. D और E इसके midpoints हैं, तो ये दोनों इसके midpoints हैं, ये बराबर है और ये बराबर है. F and G are the midpoints of AB and AC respectively. F और G AB और AC के midpoints हैं, तो ये जितना ऊपर होगा उतना ही ये नीचे होगा और जितना ये है उतना ही ये होगा. हिंदी वाले हिंदी में भी पढ़ लीजिए आप लोग. ये मिड पॉइंट है EF का, EF का मिड पॉइंट D है और AG का मिड पॉइंट E है. AB और AC ये और ये दोनों बराबर हैं, तो ये D की वैल्यू है 2.4. तो ये 2.4 है, तो मिड पॉइंट अगर है तो ये वाली होगी 4.8. और इस ट्रायंगल की अगर बात करें हम लोग, ये 4.8 और मिड पॉइंट है, तो क्या 9.6 ही होना है क्या? ये इसका भी डबल होगा. हमें वैल्यू BC का ही मान पूछा है, तो आंसर कितना आ गया 9.6 सेंटीमीटर. ये अपना आंसर है. मैं धीरे धीरे आराम से पढ़ा रहा हूँ, CPO के पेपर कंप्लीट सोल्व करवा रहा हूँ. जो भी बीच में देखो, इस क्वेश्चन का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, अच्छा सा देखना. 264 की लागत वाला मोबाइल कवर 12% की छूट पर उपलब्ध है, ऐसे चार मोबाइल कवरों का विक्रय मूल्य कितना होगा? कुछ लोग क्या करते हैं इसमें पता नहीं, इसका फ्रैक्शन निकालते हैं, इसमें फंसते हैं, उसमें फंसते हैं, जो मर्जी है उसमें फंसे रहते हैं. ए मोबाइल कवर कॉस्टिंग 265 इज अवेलेबल एट द डिस्काउंट ऑफ 12%. व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ फोर सच मोबाइल्स? तो 264 है, 12% डिस्काउंट दे दिया, तो बेचेगा कितने का? 88 का. और ऐसे चार मोबाइल कवर चाहिए, तो इसके सभी के देखो यूनिट डिजिट अलग अलग हैं. मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखा है, ये आया हुआ क्वेश्चन ही मैं आप लोगों के सोल्व के लिए सोल्व करवा रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचो कि ये तो सर ने इस टाइप से, सर का ही क्वेश्चन है. मैंने मेरी तरफ से नहीं, CPO का आप लोग पेपर देख सकते हो जो 14 मार्च को हुआ था. तो ये पूरी कैलकुलेशन करने के बजाय 8 का 4 से गुना करोगे तो 32 2 आएगा, और 2 का 4 से गुना करोगे लास्ट में 8 सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में है. ये अपना आंसर आ गया. तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप लोग हमेशा ऐसे ही सोल्व कर सकते हो, जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा. पूरा सोल्व करोगे, इसको गुना करोगे तो भी आंसर यही आना है, तो आप लोग ऐसे ही सोल्व कर लिया करो, ये बात ध्यान रखना आप. हाँ ना बोलो, समझ पाए हो क्या? दो डिजिट छोड़कर तो पॉइंट आएगा ही आएगा हमेशा, क्योंकि नीचे दो जीरो है. 30744 एक अंक वाली किस संख्या से विभाजित है? सिंगल डिजिट नंबर. सिंगल डिजिट नंबर कितने होते हैं? एक से लेकर नौ तक, नौ डिजिट होता है सिंगल डिजिट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. अब ये सभी के आपके डिविजिबिलिटी रूल अगर आते हैं तो ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, नहीं आते हैं तो नहीं कर पाओगे. एक से तो सब कुछ डिवाइड होता है ही. ये नंबर जो लिखा हुआ है 30744, एक बार इसके डिजिट से ऐड भी कर लो, 8, 7, 15 और 3, 18. एक से डिवाइड होगा, दो का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो हमें पता है कि लास्ट में दो होना चाहिए. क्या दो से डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है. तीन से हो रहा है क्या? तीन से 18 आ रहा है, मतलब हो रहा है. क्या चार से हो रहा है क्या? लास्ट के दो डिजिट होनी चाहिए, हाँ हो रहा है. पाँच से हो रहा है क्या? नहीं, पाँच में लास्ट में पाँच या जीरो होना चाहिए, पाँच से नहीं हो रहा. छः से, दो और तीन से हो रहा है तो छः से तो होगा ही होगा. क्या सात से हो रहा है क्या? सात का नियम क्या होता है? तीन तीन के पेयर बनाओ, 744 और ये 30 माइनस करो तो 714. ये सात से डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, तो ये भी सात से डिवाइड होगा. आठ में लास्ट के तीन नियम, तीन आठ नियम बेहतर, आठ आठ से भी हो रहा है. और नौ का नियम आप लोगों ने सम करके देख लिया, तीन और नौ के लिए ये सम किया है, तो नौ से भी डिवाइड होगा 18. 18 डिवाइड होगा तो ये नंबर भी डिवाइड होगा. तो पाँच को छोड़कर सभी से डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी. ये अपना आंसर है. हाँ ना बोलो, समझ में आया है क्या? डिविजिबिलिटी के रूल आपको पता होने चाहिए, जिससे ये क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे. दीवार के सारे लगी हुई एक सीढ़ी भूमि के क्षेत्रीय पर 60 डिग्री का कोण बनाती है. यदि सीढ़ी का निचला किस निचला सिरा है ना दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? ऐसा हम लोगों से पूछा गया है. तो कैसे कर पाएंगे हम लोग क्वेश्चन? ए लेडर लेनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल.
If the foot of the ladder is 10 meter away from the wall, what is the length of ladder? देखिए ये 60 डिग्री का कोण बनाता है, निचला सिरा दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है, ये कोण अपने पास 10 मीटर की दूरी पर है, ये वाला कोण, तो ये कोण होगा 30 डिग्री। और अगर आपको याद हो सीडी की लंबाई पूछी है, तो कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाले साइड का डबल होता है क्या, तो हमारे पास ये कितने मीटर आएगा, 20 मीटर। देखते हैं आंसर आ गया। जहां भी मैंने पढ़ाया है आप लोगों को क्या हाइट एंड डिस्टेंस वो देख लीजिए, इस क्वेश्चन में पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। बाकी कुछ ने इसका रेशियो याद कर रखा होता है वो भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल खराब तरीका है, वो भी ठीक है। बाकी कुछ लोग इसको उससे भी कर सकते हैं, ये आधार है और ये कर्ण पूछा है, तो cos 60 भी लगा देंगे, cos 60 बराबर आधार तो 10 है बटे कर्ण की वैल्यू पूछी है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, चाहे बेसिक से कर लो जैसे मर्जी आए वैसे क्वेश्चंस कर लीजिए, आंसर तो अपने पास यही रहना है। क्या ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे क्या? x plus 1 upon x बराबर 4√3 है, देन x square plus 1 upon x square। अगर आपको याद हो बराबर अगर a हो तो a square minus 2 होता है, -1 upon x बराबर अगर a हो a square plus 2 होता है, ध्यान रखना ये प्लस का ही आता है, याद रखना ये गलती से नहीं लिखा हुआ कि माइनस है तो माइनस या प्लस, प्लस का ही आता है, क्यूब में आता है माइनस। इसका क्यूब करते हैं और 3 गुना माइनस करते हैं, इसका क्यूब करते हैं और 3 गुना प्लस करते हैं। छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए अलजेब्रा में, ये चीज़ें आपको, क्योंकि इनमें ही अगर आप लोग ज़्यादा दिमाग लगाओगे तब तो कैसे काम चलेगा। और अगर कभी भी अक्स स्क्वायर -1 upon x square अगर पूछे तो फिर x plus 1 upon x और x minus 1 upon x का गुना करते हैं। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए x plus 1 upon x बराबर अगर a है तो x minus 1 upon x बनाना पड़े डायरेक्ट, तो ये तरीका होता है। माइनस बनाना है तो 4 हम लोग माइनस कर देते हैं, और अगर कभी प्लस बनाना हो तो 4 आप लोग प्लस कर देते हो। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है x plus 1 upon x बराबर अगर अपने पास देने के बाद x plus 1 upon x बराबर 4√3 है और x square plus 1 upon x square की वैल्यू अगर हम लोगों से पूछे तो फिर करने का तरीका क्या होगा? इसका स्क्वायर करते हैं 48 और 2 माइनस करते हैं तो आंसर कितना आ गया 46। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, छोटे छोटे वीडियो होते हैं जिसमें मैं सीपीओ के पेपर सोल्व करवा रहा हूँ, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि डेली मैं शाम को पढ़ाता हूँ, आधे घंटे के लिए कुछ सीखने को मिले तो वो अच्छी बात है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं।